everyone, welcome back to my channel. So आज हम जा रहे हैं न्यू ईयर डिनर पे, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करने. सो आई बॉट दिस बॉडीकॉन ड्रेस. मैं कैसे दिखाऊँ, मैं पिक्चर्स में दिखाऊँगी. सो आज मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा नहीं मैंने कर लिया. मैंने ऊपर से एक ब्लैक ड्रेस डाली, रेड लिपस्टिक टाइप. ओ ओके, नो वरीज. मुझे ना आज लग रहा है मैं एयर होस्टेस लग रही हूँ, पता नहीं क्यों. मेरी सिस्टर ने भी वैसे ब्लैक पहना, मेरी बहना ने भी आज हमारे साथ ट्रेनिंग की. सो लुक एट हर. हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग समवेयर, आई थिंक जलंधर. Yeah, तो जाएंगे फगवाड़े, तो जाएंगे जलंधर भी हम जा रहे हैं. नहीं, तो पहले जलंधर जाएंगे फिर फगवाड़ा आएंगे. सो लेट्स कम विद मी. आज मेरी बहन ऐसे लगी थी शी इज फ्रॉम यूके. यूके का तो पता नहीं, हम इंडिया से तो है. सो हम अपने ड्रेसेस दिखाएंगे वहां जाकर, अभी फोन काम नहीं कर रहा. सो यस, चलो हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट. ये हमारा फर्स्ट है, हम न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट बिकॉज इट इज स्पॉन्सर्ड बाय आवर भाभी भैया. पता क्या हुआ, आज मैंने ये चीज मैनिफेस्ट की थी मैं कि यार ये ड्रेस ना मुझे न्यू ईयर पे पहननी है. मुझे लगता है ना, मैंने भी आज के दिन की थी बट फॉर सम अनदर फंक्शन. वो ना मुझे लगता है मेट. सो यार सरस्वती माता रानी बैठे हुए थे, वो सच हो गया. सो रचित भी मैं सच आया. What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't know. Yes, come on this. We are done with our dinner. हमारी भाभी भी नहीं बैठी और हमें इतना मतलब शाय फील हो रहा है ना. उबली कली भाभी कह रही है शाय फील हो रहा है. तू बना ले ना ब्लॉग. मैं तो नहीं भाभी, तो मेरी बहन आज वो देख रही जो मैंने डाला. थैंक यू 2020. Till the day I depart, don't know what's wrong, something isn't right. I belong in the light. Passion is gone, and love's taken flight. रुको रुको रुको. तो अब आप मुझे देख रहे हो कि हम जा रहे हैं हवेली. तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी. हमारा न्यू ईयर का, न्यू ईयर हुआ नहीं था, न्यू ईयर होने को ना 15-20 मिनट्स रहते थे. तो हवेली में हुआ क्या था, हमारा प्लान पहले था कि हमने हवेली जाना है फिर उसके बाद में खाएंगे. बट नहीं, हमें पता था कि न्यू ईयर है तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा. तो हमने पहले क्या किया, हमने फगवाड़ा में खाया, डिनर किया और उसके बाद हम हवेली चले गए. हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने डिनर किया. हमारा ये प्लान था, हम डिनर यहाँ करेंगे और हवेली में चाय पीएंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे. हमें ओके, तो वहाँ हम हवेली एंटर किए तो हमने, हमें ऑफिसर ने रोका कि आप नहीं जा सकते, ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं है हवेली की, आप मतलब सेकंड वे से आओ ऐसे एंटर. तो हमने कहा कि ठीक है. मेरा भाई कह रहा था कज़न कि ना एंट्री नहीं आज, बहुत ज़्यादा क्राउड है, हम देखेंगे. वैसे मेरी पप्पी कह रही नहीं नहीं आप जाओ जाओ, हमने जाना है. हमने कहा भाई जाना है. तो ना
हम आ रहे थे, हम चले गए, तो हम ना इतनी कार्स थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, चलो बाहर इतना नहीं था, मैं अंदर का एक्सपीरियंस बताऊँगी। तो हमें बहुत मुश्किल से, हार्डली हमें 45 मिनट्स लग गए ये कुछ करते, बहुत मुश्किल से कार पार्किंग, कार पार्क हो गई, फिर चलो हम चले गए हवेली। तो हवेली हम एंटर किए और हवेली में इतना क्राउड था, और मैं ना लिटरली ऐसे देख रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, क्राउड तो बहुत छोटा वर्ड है, फ्लड फ्लड आया हुआ था लोगों का, OMG, और मैं ना ऐसे देख सकती थी ना, ऐसे मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब जहाँ भी देखूँ वहाँ लोग नहीं, वहाँ मतलब मतलब आप यहाँ खड़े, आपके सराउंडिंग में 50 लोग होंगे, मतलब इतना ज़्यादा फ्लड आया था ना, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की। हम ना सारे ना ऐसे ना एक दूसरे को देख रहे थे, है ना, तो हमने चाय कॉर्नर पे गए चाय पीने के, रिकॉर्ड क्या होना था क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड था। और मेरा ऐसा है, मैं फ्लड देख के ना मुझे एक्साइटी होने लगती है, घबरा जाती हूँ, सॉरी क्राउड देख के। तो हम ना गए, चलो हमने चाय पी, बहुत ही बहुत ज़्यादा बहुत 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 हाई लेवल चल रहा है, ओके, विंटर सीजन का, ओके। तो हम और हम ना हमने चाय पी बहुत जल्दी, हम 10 मिनट के अंदर हम बाहर आ गए। और है ना, मैंने मुझे एक पॉइंट पता था हवेली का, हमने अपनी बहन को कहा, मैं कहने दीदी मुझे पता है कार पार्किंग जब हम करते हैं वहाँ एक पॉइंट है, तो हम वहाँ पर चेकिंग करेंगे, वो वहाँ डायरेक्ट लाइटिंग आती है, मुझे पता नहीं कैसे पता पर मुझे पता था। तो मेरी सिस्टर ना बड़े सारी बड़ी ना वो शी वॉज लाइक अच्छा पिक्चर क्लिक कर देंगे, मैं कहा आ जाएगी बहन तो टेंशन मत ले, ओके। हमने वहाँ पिक्चर्स क्लिक कराए, हम 45 मिनट्स खड़े रहे वहाँ, हमने पिक्चर्स क्लिक करनी थी फिर सब की। और जो ना पिक्चर्स के बाद सुकून मिलता है वो मतलब आउटस्टैंडिंग है, और बहुत अच्छी पिक्चर्स। तो हमने अपनी पिक्चर्स क्लिक की, वहाँ में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था लोगों का, कि यार न्यू ईयर पे इतना क्राउड, न्यू ईयर ही नया साल ही और क्या हो गया, मतलब लाइफ का इतना क्या मतलब सेलिब्रेट करने को है कि न्यू ईयर ये। हम ना बहुत जल्दी में आ गए और हमें घर आना था, क्योंकि रात तो बहुत ही और फॉग हो जाती है विंटर की वजह से, ओके हम घर आ रहे थे। तो 5 मिनट का रास्ता था, रोड पे ना लड़के थे अपनी कार पूरी खोल के गाने लगा कर डांस कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, सेल्फीज क्लिक कर रहे थे। तो हुआ क्या वहाँ ना जीप में ना ऑफिसर्स की गाड़ी, सॉरी जीप में ऑफिसर्स थे, हमें नहीं पता, हम जा रहे थे तो वो फ्रंट पे थे, हमें नहीं पता, मुझे लगा कि कोई शायद कोई लड़के हैं आए, वो अपना इन्जॉय करने आए। अच्छा, वो ऑफिसर्स आए, वो ऑफिसर्स बहुत मतलब हाई पोजीशन वाले ऑफिसर्स थे, वो आए, उन्होंने ना अपने डंडे निकाले स्टिक्स लड़कों को मारने के लिए, और ना हम ना देखते रहेंगे ना, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं ना वीडियोस बना रही थी, और लिटरली मैं अपना फ़ोन मतलब मैं देखती रही हूँ क्या, वो ना इतने जोश से आया ऑफिसर, वो ना ऐसे हैं जैसे ना कोई जेल से छूट कर आया होता है 10-20 साल के बाद, और वो ऐसे हैं, वो ऐसे लड़कों को पीटने लगा, उसने ऐसे पीटा। एक लड़का कह रहा है अपने सर मारना है ना, मारो आप खुश हो। अच्छा, एक लड़के के पीछे पड़ गए, वो आगे बचाना चल गया, उसके आगे उसको मारने लगा। उन्होंने ऐसे लड़कों को पीटा, एक तो हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आप ऑन रोड पे ये चीज़ नहीं कर सकते, और न्यू ईयर के मतलब टाइम पर कभी भी आप नहीं कर सकते रहेंगे। और हम 5 जाने थे, 4 जाने थे, रची तो छोटू उसको क्या पता। और ना हम ना इतना हंसे, हम इसलिए हंसे क्योंकि एक तो ऑफिसर ने इतने जोर से वो गाड़ी से आए और उन्होंने लड़कियों को ऐसे पिटाओ, और लड़कों को लगा शायद उनके साथ कोई इंजॉय करने आ रहा है। तो एक तो लड़का ऐसे भागा जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, फिर सभी की ऐसी पिटाई हुई जैसे पता नहीं क्या, मतलब 5-6 ऑफिसर्स थे और उन्होंने ऐसी धुलाई की उनके लिए, मैं समझ नहीं सकती। एक तो हवेली में वैसे ही फ्लड, ऊपर से लड़कों ने यही काम किए हुए, और दैट वॉज माई एक्सपीरियंस, सॉरी आर एक्सपीरियंस। हमारा न्यू ईयर ऐसे रहा, मतलब 11:40 का टाइम था यार रात के, और हम घर स्पेशली कारों के ये सब देखने के लिए, और हमने ना फर्स्ट टाइम ये सीन देखा। देखो पंजाब में ये सब होता रहता, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट फॉर अस हमने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं देखी। सो ये नहीं कि हम मजाक करें, बट हंसते ना हंसते रहे। अब आपको वीडियो देखेंगे जहाँ हमें
हंस रही हूँ, वो इसी चीज़ पे हम हंस रहे थे कि हमारी आंखों के सामने हो क्या गया। और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, और हमने कोई पिक्चर्स कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ हवेली हवेली नहीं थी, वहाँ ऐसे लोकल ट्रेन थी ना, जैसे मुंबई में जो लोकल ट्रेन में रश होता है वैसा सिचुएशन थी। ओ एम जी, अपनी जिंदगी में मैं कभी हवेली नहीं जाऊँगी न्यू ईयर पे। ओके, और आप इंजॉय करेंगे ये कब? आई नो मैंने ज़्यादा कुछ दिखाई तो मैं बड़ी शाई करती हूँ, पब्लिकली अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं अपनी फैमिली के सामने से कैमरा लेकर आऊँ हर एक चीज़। तो हरियाणा एक आप प्राइवेट टाइम होता है, और आई डोंट वांट लाइक दिस हैपन कि मैं प्राइवेट को पब्लिकली करूँ, और अच्छा भी नहीं लगता। एंड मुझे पर्सनली नहीं पसंद कि मैं सब कुछ पब्लिक करूँ, मैं इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ कि मुझे छोटी छोटी मेमोरीज सेव करें। दैट इज इट। ओके बाय। Something isn't right. I feel like I'm alone. Tere ke jaan kade ni jadon mummy me tu tera pure haal puchhe di haal puchhe di aaj tu tera aaj dekhe yaar mere bina yo khapra sakna se aaye so ke jadon hum tu janda pura haal ni mushik mushik phir kod lage jatt nu jadon mere tu bhonne kod lage jatt nu Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? और ये साल सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए भगवान, घर इतना सारा इंजॉय करके सेलिब्रेट करके। सो मैं आज हैप्पी एंडिंग करती हूँ इस ब्लॉग की। इस साल आपके घर में खुशियाँ लाए, और ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो, और जो बना चाहते हो बनो। ओके बाय। आज मैं फर्स्ट टाइम हैप्पी एंडिंग एंडिंग करी हूँ अपने ब्लॉग की, मैंने कभी भी नहीं की। सो हम करते हैं, और अच्छे से हमारे सामने बैठे वो आए नहीं ब्लॉग में, क्योंकि इसको एलर्जी है वीडियो बनाने में, जब फोटोज़ बनाने में, क्लिक करवाने में। सो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपने आप, सॉरी अपना, मुझे मेकअप रिमूव करना, ड्रेस रिमूव करना, बहुत आई हैव लॉट वांट टू डू। ओके बाय, गुड नाइट। What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone.